हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एक बढ़िया शानदार खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है। दरअसल एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस आदि की वैकेंसीज फिर से आ गई है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं क्लासेस में कहता ही रहता था कि ये जो वैकेंसीज आई हैं आप लोगों की, वो वैकेंसीज 2022 की हैं। यानी कि अगर अपन अब तैयारी करने बैठते हैं तो अभी 2023 की वैकेंसी आने वाली है। यही कारण था कि एसएससी सीएचएसएल में जो वैकेंसीज आई हुई थी उनमें 1 तारीख को, यानी कि 1 जनवरी 2022 को लास्ट 18 साल की एज माना गया था। तो अभी 2023 की क्या क्या वैकेंसी नई आई हैं तो एक बार देख लेते हैं। चलो एक बार जानकारी लेते हैं। अगर हम देखें तो कॉन्स्टेबल्स जीडी की जो वैकेंसी है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में, ये सीबी की जो वैकेंसी मानी जाती है, 27 अक्टूबर 2022 को आई थी, एडवर्टीजमेंट आया था। 30 नवंबर से लेकर के जनवरी फरवरी में ये इसका जो क्लोजिंग डेट थी फॉर्म की वो ये थी, और जो आपको दिख रही है 30 नवंबर थी, और जनवरी फरवरी में इसकी एग्जाम होने वाली है। आपको पता है डेट दे दी है, 10 जनवरी से आपकी एग्जाम ये शुरू होने वाली है। यहाँ तक कि कुल मिलाकर की आपको जानकारी मिल गई होगी कि 10 जनवरी से ये एग्जाम काफी लंबे समय तक, यानी फरवरी तक भी चलने वाली है। अगली एग्जाम की बात करते हैं, अगली वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों। ये अगली वैकेंसी आप लोगों को दिख रही है कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी यहाँ आई हुई है। तो देख रहे हैं आप लोग, एक बार बात कर लेते हैं कि ये जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी जो लेवल की वैकेंसीज हैं, ये आपकी सीएचएसएल 10+2 की वैकेंसी है, टीयर 1 की। तो जिसके फॉर्म आपको पता है कि अभी भरने में आ रहे हैं, 6 दिसंबर 2022 से, 6 दिसंबर 2022 से 5 जनवरी 2023 तक ये फॉर्म की डेट रहेगी। भरिए, भूलिएगा नहीं, क्योंकि अभी आप भर सकते हैं, बाद में वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। अभी भरने का एक सही समय है, और इसकी एग्जाम भी टेंटेटिव डेट दे दी है, मार्च के महीने में इसकी एग्जाम ले ली जाएगी, सब कुछ ठीक चलता रहा तो। और अगर अब दूसरी वैकेंसी की बात करें तो है एमटीएस, एमटीएस मल्टीटास्किंग सर्विसेज का 17 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। ध्यान रखिएगा, 17 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसकी डेट रहेगी क्लोजिंग डेट 17 फरवरी, और एग्जाम की डेट अप्रैल। यानी कि आपके पास एमटीएस के लिए 4 महीने, 4 मंथ्स बचे हैं, ओनली 4 मंथ्स, 4 मंथ्स आपके लिए, 4 महीने। कितनी गजब की ये न्यूज हम लोगों को दी। हम लोग ये निढाल होकर बैठे थे कि अब यार सीएचएसएल 19 साल का बंदा हो गया, 18 साल का बंदा हो गया, लेकिन फिर भी नहीं भर सकता। तो देखिए, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 11 की वैकेंसी आई है। इसके लिए क्या खास रहेगा, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को देने के लिए जरूर आऊंगा। 24 फरवरी से इसके फॉर्म भरने में आएंगे, 17 मार्च तक चलेंगे, और मई जून में इसकी एग्जाम लगने वाली है। क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगने वाले हैं, सारी चीजों की जानकारी देने के लिए जरूर आऊंगा मैं। सीजीएल जो तो आप जानते ही हैं, 2023 की वैकेंसी फिर आ गई है। टीयर 1 की एग्जाम की बात आ रही है, टीयर 1 का एग्जाम जो है, या टीयर 1 की जो नोटिफिकेशन है, वो 1 अप्रैल को जारी होगा। ध्यान रखिएगा, बोल रहा था मैं कि 1 अप्रैल को जारी होगा, 1 मई को एग्जाम क्लोजिंग डेट रहेगी, और जून जुलाई तक, यानी कि बिल्कुल रुके नहीं और बिल्कुल लगातार लगे रहें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। कोचिंग में बहुत सारे बच्चे सही समय पर जुड़े हुए हैं। अब अगर हम आगे बात करें दोस्त, अब आगे अगर हम बात करें तो आगे अगर देखा जाए तो आगे मैं आपको वैकेंसीज के बारे में और बता देता हूँ कि और कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो चलो हम बात करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर ले चलते हैं। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर अपन इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, वो ज़्यादा ऊपर चला गया, कोई नहीं, ये तो चलता रहेगा इसमें। देखिए, अब आप बात करते हैं मल्टीटास्किंग सर्विसेज, एमटीएस, नॉन टीचिंग टेक्निकल स्टाफ की, एक बार फिर वैकेंसी 14 जून 2023 को आने वाली है। 14 जुलाई 2023 तक ये फॉर्म की क्लोजिंग डेट रहेगी, और अगस्त सितंबर में फिर से एग्जाम होता है। एक ही साल में 2-2 एमटीएस की एग्जाम लगेंगी। फिर एसआई दिल्ली पुलिस में, जो सीपीओ का अभी रिजल्ट आया था दोस्त, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी एसआई की जो वैकेंसी थी उसमें हमारे करीबन 12-13 बच्चे बैठे थे, उसमें 11 बच्चे टीयर 1 को क्वालिफाई कर रहे हैं। 20 जुलाई को ये फॉर्म भरने में आएंगे, 13 अगस्त तक चलेंगे, और अक्टूबर में इसकी एग्जाम लगेगी। तैयार रहो, इसका पीईटी अभी से तैयार करते रहो, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट आप पूरी तरह से तैयार करते रहो। फिर देखिए, जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्वालिटी, मतलब जेई की भी, एसएससी जेई की भी, यहाँ पर 26 जुलाई से फॉर्म चालू, मतलब नोटिफिकेशन आने वाला है, फॉर्म चालू होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे अच्छे से। और मैं अगर बात करूँ मेरे दोस्त, मैं अगर बात करूं अगली वैकेंसीज की बात करूं तो स्टेनोग्राफर की ग्रेड C और D की भर्ती, 2 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। 23 अगस्त तक इसकी फॉर्म भरने में आएंगे, अप्लाई होगा। और अक्टूबर नवंबर की बात करें, अक्टूबर नवंबर में आप लोग एग्जाम देंगे, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन आ चुका है सभी वैकेंसीज का, ये मान लीजिए,
जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर, अभी स्टेनोग्राफर की चिंता करने की जरूरत नहीं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, गंगापुर के अंदर ही हम लोग आपको स्टेनोग्राफी की तैयारी भी कराएंगे। उम्मीद है दोस्तों अगली वैकेंसीज आपके लिए और अच्छी होने वाली है। सेंट्रल सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप लोगों का जो है 1 सितंबर को फॉर्म भरना चालू होगा, 22 सितंबर तक चलेगा, दिसंबर में इसकी एग्जाम्स आने वाली है। फिर है एसएससी की एक वैकेंसी है, यूडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2018-19 का ये सेटअप रखा गया है, और 8 सितंबर 2023 को ये फॉर्म भरने में आएंगे, 29 सितंबर को चलेंगे, यानी कि सितंबर में आप लोगों को काफी 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 ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। ये देखना कि कितना गजब यहाँ पर दिया हुआ है आपको, यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस की हुई है। फिर अगर देखें अपन की और कौन सी वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव, इसमें भी ग्रेड मतलब ग्रेड सी में भी यहाँ पर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है। 15 सितंबर से 9 अक्टूबर तक फॉर्म की डेट रहेगी, जनवरी फरवरी में 2024 में जाकर के एग्जाम लगने वाली है। फिर जूनियर स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट की इसमें अलग से जूनियर जो आपकी जो जेएसए की जो वैकेंसीज हैं वो लगातार अलग से डाली गई हैं। एलडीसी का ग्रेड भी अलग से डाला गया है लिमिटेड डिपार्टमेंट में, और ये 22 सितंबर से 23 13 अक्टूबर तक फॉर्म चलेंगे, जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम लगेगा। फिर सेंट्रल सेक्रेटरी असिस्टेंट का आप देख ही रहे हैं, ये वैकेंसीज हैं। और इसके बाद अपन बात करें मेरे दोस्त, यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज और आई हुई हैं वो है देखो जेएसए की एलडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट में आई हुई है, फिर एसएससी आई हुई है ना यूडीसी की, और ग्रेड सी स्टेनोग्राफर में लिमिटेड में आई हुई है। मतलब लगभग आपकी 19 वैकेंसीज आई हुई हैं दोस्त। एक ये 30/12/2022 यानी कि आज की डेट का नोटिफिकेशन है जो अभी आया हुआ है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस रहेंगी, बाकी का सारा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बहुत बहुत गजब की न्यूज है, वेरी 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 हैप्पी न्यूज। आई थिंक एवरी वन ऑफ यू मस्ट एंगेज योर सेल्फ इन प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशंस इफ यू हैव टारगेटेड ऑल दीज। अगर आप इन सारी चीजों को टारगेट कर चुके हो तो आपको लग जाना है माय डियर फ्रेंड्स, डोंट बी वरीड अबाउट एनीथिंग एंड लीव एवरीथिंग एक्सेप्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। अब हर चीज को छोड़ दो, केवल आपको अपनी स्टडी पर फोकस करना है, और सारी चीजों को छोड़ दो, बस अब 1 साल के लिए अपने आप को तल्लीन कर दो, लगा दो दोस्त। कॉस्मोस कॉम्पिटिशन क्लासेस इज ऑलवेज विद यू, एंड जानते हो आप छोटा सा एरिया लेकिन हम बहुत अच्छे सिलेक्शन रेशियो दे रहे हैं। दिस दैट दैट मीन्स हमारा स्टूडेंट के अंदर कैलिबर बहुत है, स्टेमिना बहुत है, हमारी फैकल्टी टीम बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है दोस्तों। इसी का नतीजा है कि हम लोगों को मिल रहा है। तो दोस्तों ये न्यूज़ देने के लिए मैं आया आपके पास, और आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, और सभी एक दूसरे से शेयर करेंगे इस इन्फॉर्मेशन को मैक्स टू मैक्स एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।